नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन बलरामपुर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता शाक्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 7 वर्ष के कार्यकाल पर सभी को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलवाए, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिलवाकर चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाई, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, सौभाग्य योजना के माध्यम से लाखों मंजरों में बिजली पहुंचाई, महिलाओं के सम्मान में करोड़ों शौचालय बनाने का कार्य किया, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये देने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी सीमा सुरक्षित है और सेना मुंह तोड़ जवाब देने में समक्ष है। आज आतंकियों के हौसले पस्त हैं। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। कोरोना काल में 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का कार्य किया गया। स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर लोगों को मुफ्त टीके लगाने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत युवाओं महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आप देखिए तो 8 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाकर और उसको ग्रांट देकर उसमें महिलाओं को स्वयं अपने रोजगार पर जोड़ना यानी आत्मनिर्भर करना, ये प्रधानमंत्री जी की पहली उनका कदम बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद आपने देखा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेकों अनेक योजना बनाकर और सबसे बड़ी बात किसान सम्मान निधि बनाकर किसानों का जो सम्मान किया, अनेकों अनेक योजना बनाकर उन्होंने दिया दिखाया है कि वो एक प्रधानमंत्री ही नहीं देश के प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए एक बड़े भाई और एक अभिभावक बनकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया उससे समझ में आता है कि वो राज के लिए नहीं, शासन के लिए नहीं, वो विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। देश का सम्मान आत्मनिर्भर उन्होंने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज भारत को सब बड़ी अच्छी नजर से देखते हैं। भारत का देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।